इन दिनों बरसात के मौसम में बस्तर जिला का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। विशाखापट्टनम के चिकित्सकों का दल ने कल बस्तर की खूबसूरत नजारों का आनंद लिया। विशाखापट्टनम के चिकित्सकों का दल इन दिनों बस्तर भ्रमण पर है। चिकित्सकों के दल ने बस्तर के संबंध में अपने अनुभवों को साझा किए। उन्होंने बताया कि बस्तर अद्भुत अनुपम नैसर्गिक सुंदरता का अद्वितीय स्थल है। अपने बस्तर यात्रा के विषय में डॉक्टर सुजाता ने जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर के संबंध में जिस प्रकार की धारणाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के झरने, वन, पर्वत सब अद्वितीय है। वहीं तेजा प्रियदर्शनी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यहाँ की जो सुंदरता है नैसर्गिक है। यहाँ किसी ने इसे बनाया नहीं, बल्कि प्रकृति ने ही इसे रचा है। आपको बता दें, बरसात के मौसम में चित्रकूट, तीरथगढ़ सहित जितने भी वाटरफॉल हैं देखने लायक है। इस दौरान पानी पूरे फ्लो से 150 फीट नीचे गिर रही है, तो इंद्रधनु सतरंगी छटा बिखेरती अपनी खूबसूरती और बढ़ा देती है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पर्यटक बड़ी संख्या में इन दिनों बस्तर जिला का दौरा कर रहे हैं। हम जगदलपुर आए हुए हैं, यहाँ चंपा बाग में रुके हैं। इतना ब्यूटीफुल रिसोर्ट है कि अब मन ही नहीं करता कि कल हमको जाना है वापस। शायद सुबह जल्दी जल्दी आ जाना था, थोड़ा सा इधर उधर घूम के आए, लेट हो गया। रूम बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा इंटीरियर और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। अभी यहाँ एक लाइव म्यूजिक भी चल रहा है और सब फैमिली बैठ के अभी हम लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हमारे होस्ट विवेक जी हमको बहुत इज लुकिंग आफ्टर अस वेरी वेल। बहुत ही अच्छा है, अ मस्ट सी प्लेस इन चंपा बाग। यू हैव टू कम एंड विजिट चंपा बाग, इट्स ब्यूटिफुल। मेरा नाम तेजा प्रियदर्शनी है। हम जब जगदलपुर के बारे में सुने थे तो मन में ऐसा लग रहा था कि क्या जाएंगे जगदलपुर, क्या होगा देखने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे तो एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था। हमने सोचा नहीं था कि इतना ग्रीन रहेगा, इतना यू नो ब्यूटीफुल रहेगा, इतना वास्ट है सब कुछ। और लोग भी बहुत अच्छे थे, तो चित्रकूट वाटरफॉल सबने बोल दिया बहुत ही अमेजिंग था। और हमको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि वो बोट राइड नहीं हो पाया, बिकॉज इतना ज्यादा पानी था आज सुबह, तो इतना भर के आया था कि हमको डर लग रहा था कि पास जाने के लिए भी। लेकिन हम तीरथगढ़ भी गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बंद था। लेकिन यहाँ चंपाबाग जब आए थे जगदलपुर में, इट्स सो ब्यूटिफुल हियर दिस रिसोर्ट, कि जब कोई भी आएगा जगदलपुर यहाँ पे डेफिनेटली रहना है, इनको एक्सपीरियंस करना है। बहुत गोन फील है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे दोस्त लोगों को इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया वीडियोस वगैरह, तो बहुत लोगों का रिस्पांस आ रहा था कि बहुत अच्छा जगह है, कहाँ गए हो। तो हम सबको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आना है, बिकॉज मेरे मन में जो शंका था पहले, अब वो नहीं है। अब बहुत ही सेफ है, ये नक्सल वक्सल वो सब नहीं चलता यहाँ पे, वो बहुत ही सेफ है। लेकिन थोड़ा दिक्कत है नेटवर्क का, वो सेट हो जाएगा तो हम इंस्टाग्राम उसका तो और ही लोग आएंगे यहाँ पे। तो बट अदरवाइज इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। नमस्कार, अतिथि देवो भव ये हम सभी कहते हैं। इसी कड़ी में हमारे बस्तर का जो एक ये है कल्चर है कि हम अपने अतिथियों का हमेशा स्वागत करते हैं और हृदय से स्वागत करते हैं। और आज ये डॉक्टर्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये कुमार जयदेव जी और माननीय विधायक जी हमारे जो किरण देव जी हैं, उनके भी गेस्ट हैं। और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ऐसी जो बाहर से आई हुई टीम्स हैं, जो डॉक्टर्स की टीम्स हैं, कुछ जो विशाखापट्टनम से हैं, कुछ बैंगलोर से भी आए हुए हैं, और ये हमारे बस्तर आए और हमारी बस्तर की खूबसूरती को देख के और अभिभूत हो गए कि इतना खूबसूरत भी कुछ हो सकता है। क्योंकि हम बड़े शहरों की बात करते हैं, हमारा बस्तर एक अछूता रह जाता है, एक छोटा सा शहर हो जाता है। लेकिन बाहर के लोग कहते हैं कि जो बाहर कहीं नहीं दिखता वो बस्तर में दिखता है। ये हमारी बस्तर की और माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतने खूबसूरत झरने, ये जो भी देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इसी तरह बाहर के जो पर्यटन है, हमका हमारा पर्यटन भी आगे बढ़े। और खासकर ये मेडिकल जो है, ये डॉक्टर्स आएंगे अगर यहाँ पर और यहाँ का पर्यावरण और ये सारी चीजें देखेंगे, तो निश्चित ही हमारे किरण देव जी जो एक विजन लेके चल रहे हैं कि बस्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी आगे करना है, वो स्वास्थ्य सुविधाएं भी आगे बढ़ेंगी और हम प्रत्येक नगरवासी का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।
प्रत्येक नगरवासी को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमें भी इस तरह से अपने परिजनों को यहाँ बुलाना चाहिए और तभी हमारे बस्तर का नाम आगे बढ़ेगा। जय छत्तीसगढ़।